बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर वन, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड थ्री सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। सेट ए, इसके दो एलिमेंट्स हैं 2 और 4। तो जब भी हम सबसेट फाइंड किया करेंगे, सबसे पहला सबसेट जो होगा वो एम्प्टी सेट हुआ करेगा, सेकंड वन 2 का, थर्ड वन 4 का, फिर 2 और 4 का भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 3 फाइंड करने हैं, तो इस वजह से पहले एम्प्टी है, फिर 2 का और फिर 4 का, और हर एक में ब्रैकेट डालनी है। पार्ट 2, बी इज इक्वल टू ए सी एंड ई। सबसेट इसके सबसे पहला एम्प्टी, फिर ए का, फिर सी का निकाल सकते हैं, फिर ई का, फिर ए को सी के साथ अटैच कर सकते हैं, ए को ई के साथ अटैच कर सकते हैं, फिर सी को ई के साथ अटैच करते हैं कर सकते हैं। इस तरह से इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 3 लिखने हैं, इस वजह से हम लोग जो उनसे मर्जी इन 8 में से 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, -1, 0, 1। तरतीब हमारी वही रहेगी, सबसे पहला सेट एम्प्टी सेट होगा, सेकंड वन -1 का, फिर 0 का, फिर 1 का, फिर -1 को हम 0 के साथ अटैच करेंगे, फिर -1 को हम 1 के साथ अटैच करेंगे, फिर 0 को 1 के साथ अटैच करेंगे, फिर उसके बाद जब दो दो वाले सारे हो जाएंगे तो फिर -1, 0 और 1, यानी एक मुकम्मल सबसेट जो गिवन है वही का वही जो है वो हम लोग लिख देंगे। सेकंड वन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का सबसेट फाइंड करना है, तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग एम्प्टी सेट ही फाइंड करने हैं, तो उसके बाद जो चूँकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस वजह से उसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा जो कि एम्प्टी सेट जो है वो होगा। पार्ट 3, हमारे पास सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एम एन ओ एंड पी। सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होगा, देन फिर एम का, फिर एन का, फिर ओ का, फिर पी का, फिर हम एम को एन के साथ अटैच करेंगे, फिर एम को ओ के साथ अटैच करेंगे, फिर एम को पी के साथ अटैच करेंगे, फिर एन को ओ के साथ अटैच करेंगे, फिर एन को पी के साथ अटैच करेंगे, और देन फिर ओ को पी के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हमारे सेकंड सेट दो दो एलिमेंट वाले जितने भी सबसेट्स हैं वो बन गए हैं। उसके बाद हम तीन तीन वाले जो सबसेट हैं वो फाइंड करेंगे। तो इस उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप पी को जो है वो हाइड कर लें, तो आपको 3 एलिमेंट जो नज़र आ रहे हैं वो वाले आप लिख दें जिनमें एम एन और ओ है। उसके बाद आप ओ को हाइड कर दें, एम एन पी का बनेगा, फिर उसके बाद आप एन को हाइड कर दें, एम ओ पी का बनेगा, उसके बाद आप एम को हाइड कर दें तो एन ओ पी का बनेगा, और सबसे एंड वाला जो है वो आपको पता ही है कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स वन को इकट्ठा करके जो है वो लिख देंगे जो कि बनेगा एम एन ओ और पी का। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 प्रॉपर सबसेट्स। अब आपने 4 प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद 1 इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो फाइंड करना है। पहले नंबर पर प्रॉपर सबसेट है, सबसे पहले एम्प्टी, फिर -1 का, फिर -2 का, फिर -3 का। इसके अलावा और भी प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 4 बनाने हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट वही होगा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वही का वही आपने पूरे का पूरा, ना कोई कमी उसमें करनी है, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है, और वो सारा यानी -1, -2 और -3 का होगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आपने लिख देना है। पार्ट नंबर 2, 1/2, 3/4, 4/5, 5/6 प्रॉपर सबसेट्स होंगे, वो एम्प्टी होगा, फिर 1/2, फिर 3/4, 4/5, 5/6 इस तरह से कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बन सकते हैं। और यहाँ पे कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 4, 16, और उसमें से एक काम जो इम्प्रॉपर है वो आप माइनस कर देंगे, तो 15 जो है वो आप इम्प्रॉपर सबसेट्स जो है वो बना सकते हो। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो 4 बनाने हैं, तो इस वजह से आप जो उनसे मर्जी बना सकते हो। इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो जो आपको सेट दिया हुआ है वही का वही लिख दें।
नंबर थ्री पेन पेंसिल कॉपी। प्रॉपर सबसेट में कोई से सबसे पहले एम्प्टी लिख दें, फिर पेन का लिख दें, फिर पेंसिल का लिख दें, फिर कॉपी का लिख दें, ऐसे कर सकते हो। और उसके अलावा आप और भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस के चॉइस पे है। इम्प्रॉपर सबसेट में हम क्या बनाएंगे, पूरे का पूरा सेट लिख दें, और वो क्या है पेन पेंसिल एंड कॉपी वाला। क्वेश्चन नंबर फोर जी, आपने उन सेट के नाम लिखने हैं जिसका सिर्फ ओनली वन सबसेट है। तो वो आपको पता है, जब हम सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहला हम एम्प्टी सेट लिखते हैं। तो एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक सबसेट जो है वो होगा। सेकंड वन ओनली वन प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट है सबसे पहले ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सेट होंगे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट से नीचे जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी जो है वो प्रॉपर सबसेट हो जाया करेगा। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है उसको सिंगलटन हम लोग सेट जो है वो कहते हैं, वो उसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट है। नंबर थ्री नो प्रॉपर सबसेट, तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर नहीं बनता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में हम सेट को थोड़ा सा छोटा करके, एक एलिमेंट हम कम करके लिखते हैं। तो जो है ये एम्प्टी उसको छोटा करके क्या लिखना है। नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इन द फॉलोइंग सेट्स। अब आपने पावर सेट नहीं फाइंड करना, ना ही सबसेट्स फाइंड करने हैं, सिर्फ पावर सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। और हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n, यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर जो सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, टोटल 5 हैं। तो 2 की पावर जो है वो 5 होगा। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो वो 32 आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा पहला जो पार्ट है उसके एलिमेंट जो होंगे वो 32 जो है वो हो जाएंगे। नंबर टू एलिमेंट, नंबर टू सेट जो है उसके अंदर 6 सबसेट 6 एलिमेंट्स है नंबर टू सेट के अंदर। तो इस वास्ते 2 की पावर जो है वो 6 हो जाएगी, जो कि 64 के जो है वो इक्वल होगी। थर्ड वन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के अंदर 2 की पावर जब हम 0 करेंगे, और किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। नंबर 6 फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग, पहला जो सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपने ऑल सबसेट फाइंड करने हैं। पावर सेट में और ऑल सबसेट में फ़र्क ये है कि ऑल सबसेट आप फाइंड करके और एंड पे आप एक ब्रैकेट लगा देते हो, जो बिल्कुल एक उसका पार्ट जो है वो बिल्कुल शुरू में है और एक बिल्कुल एंड पे जो है वो होता है। जैसे अब हमारे पास जो सेट है उसका 2 एलिमेंट है ए एंड बी, सबसे पहला सबसेट जो होगा वो एम्प्टी होगा, फिर ए का होगा, फिर बी का होगा और फिर ए बी का होगा। और एंड पे हम लोगों ने ये करना है कि एक ब्रैकेट जो है वो शुरू से एंड तक जो है वो एक लगा देंगे। शुरू से एंड तक ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि आपने उस पूरे सेट का जो है सबसेट का आपने पावर सेट जो है वो फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट के अंदर 0, 2, 4, 3 एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले एम्प्टी होगा, फिर दूसरे नंबर पे 0 का होगा, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 0 को 2 के साथ अटैच करेंगे, फिर 0 को 4 के साथ अटैच करेंगे, फिर 2 को 4 के साथ, और एंड पे तीनों एलिमेंट्स का एक सेट बना के लिख देंगे। और ब्रैकेट आपको पता है एक शुरू में और एक एंड पे लगा देनी है। नंबर 3 के अंदर 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सबसे पहले एम्प्टी होगा, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 1 को साथ 2 के साथ अटैच करेंगे, फिर 1 को 3 के साथ अटैच करेंगे, फिर 1 को 4 के साथ जो है वो अटैच करेंगे, फिर 1 को छोड़ के 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ अटैच करेंगे, और एंड पे 3 को 4 के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हमारे दो दो एलिमेंट वाले जो सबसेट्स हैं वो फाइंड हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि इन चारों में से किसी एक को हम लोग हाइड कर देंगे। 4 को हाइड करें तो 1, 2, 3 का बनेगा, फिर हम 3 को हाइड करेंगे तो 1, 2, 4 का बनेगा, फिर 2 को हाइड करेंगे तो 1, 3, 4 का बनेगा, फिर हम 1 को हाइड करेंगे 2, 3, 4 का बनेगा, और एंड पे हम चारों को मिला के जो है वो एक सेट के अंदर लिख देंगे, और ब्रैकेट एक शुरू में और एक एंड पे जो है वो डाल देंगे।
नंबर फोर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, तो आपको पता है सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, फिर 101 का होगा और एंड पे आपने शुरू में और एंड पे ब्रैकेट डाल देनी है। नंबर फाइव, पहले ही एक एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट लिखेंगे, और पावर के लिए जो है वो हमें एक और ब्रैकेट जो है वो लगानी पड़ेगी। ओके।